नमस्कार, हिंदुस्तान क्राइम न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर खबर पर पैनी नजर, तो आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। अपने बच्चे की गुम हुई शिकायत की कार्रवाई न होने से परेशान पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट के बाहर दिया धरना। गोरा बाजार थाना अंतर्गत पति पत्नी के विवाद में पति द्वारा उसके 2 वर्षीय बेटे को घर से लेकर चला गया, जिस पर पीड़ित महिला रेशमा पटेल द्वारा अपने बच्चे को खोजने के लिए 3 दिन से गोरा बाजार थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे परेशान होकर महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के गेट के सामने धरने पर बैठ गई और अपनी आपबीती सुनाने लगी, जिस पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को उठाकर पुलिस वैन में बिठाने का प्रयास किया, जिससे महिला की हालत बिगड़ गई। स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा महिला का परीक्षण किया गया, इसके बाद मामला शांत हुआ। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति से विवाद चल रहा था, जिस पर पति द्वारा उसके बेटे को ले गया, अब उसका 2 दिन से पता नहीं चल रहा। गोरा बाजार थाने की पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जिसको लेकर वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। यहां पर किसी जिम्मेदार अधिकारी ने उनकी सुनवाई नहीं की, जिस पर उन्हें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा। गाड़ी बिल्कुल जरूरत नहीं है, पुलिस वाले गुंडा मवालियों को ले जाइए, जो पैसा देता उनको ले जाइए, हमारा लड़का लाके दे दो, हम मर जाएं। दिन भर की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें हिंदुस्तान क्राइम न्यूज टुडे के साथ। हमारे YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।